दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से कि न्यू स्मार्टफोन आने वाली है 2022 पे, जिसके अंदर को देखने को मिलेगा 10,000 रुपए के अंदर एक 5G चिपसेट के साथ साथ एक अच्छी खासी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा इसी न्यू स्मार्टफोन के अंदर। और इन्फिनिक्स की तरफ से जब भी कोई न्यू स्मार्टफोन आती है इसके अंदर को देखने को मिलता है अच्छे खासे कैमरा सेटअप के साथ क्या यूनिक डिजाइन देखने को मिलता है। दोस्तों स्मार्टफोन की दुनिया पे ऐसा पहली बार हो रहा है कि 10,000 रुपए के अंदर ही आपको 5G साथ साथ आपको एक अच्छे खासे स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगी इन्फिनिक्स ने दोस्तों। और जो स्मार्टफोन आने वाले दोस्तों इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और जिसके अंदर आपको मेन कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल के दोस्तों। इसके अंदर आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एचडी प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा इसी स्मार्टफोन के अंदर। और इन्फिनिक्स की तरफ से जब भी न्यू स्मार्टफोन आते हैं तो बिग स्क्रीन के साथ ही आते हैं, चाहे वो लो कॉस्ट बजट पे हो। स्मार्टफोन आने वाले 7.2 इंच की स्क्रीन साइज के साथ FHD यानी कि फुल एचडी तो नहीं मिलेगा आपको, एचडी प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, और सुपर एमोलेड भी आपको नहीं होगी, नॉर्मल आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 16Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो इसका फुल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स 7.2 इंचेस के साथ साथ आपको 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा के साथ आपको 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा के बारे में बात की जाए तो फ्रेंड ऐसे आपको 16 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा 10,000 रुपए का अंदर 5G चिपसेट के साथ। लेकिन दोस्तों चिपसेट कौन सा आएगा इसके बारे में कोई भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि स्नैपड्रैगन की मिलेगा या मीडियाटेक डायमेंसिटी की मिलेगा दोस्तों। और इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप आपको 5000mAh बैटरी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 10 वाट की फास्ट चार्जिंग सिस्टम आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसी स्मार्टफोन जो आने वाली है कि यूनिक डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलेगा 2022 की शायद फरवरी महीने में आ सकता है, इंडिया पे लॉन्च हो सकता है इन्फिनिक्स की तरफ से इसी स्मार्टफोन दोस्तों। इसी स्मार्टफोन होने वाले लो कॉस्ट बजट में लेकर 5G स्मार्टफोन जो कि 10,000 रुपए के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और आपके पास फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन खरीदने की पैसा नहीं है तो आप इसी स्मार्टफोन को खरीद सकते हो, क्योंकि बजट पे एक धमाकेदार स्मार्टफोन प्रोवाइडेड करेगी इन्फिनिक्स ने दोस्तों। तो इन्फिनिक्स की तरफ से इसी स्मार्टफोन की अपडेट मिला है जो कि बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, इसलिए आपको बता दिया कि इसी स्मार्टफोन के बारे में आपको बता दिया दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, चैनल में आप पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।